नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं धनश्री टेक्निकल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज एक छोटा सा अपडेट है, छोटा सा नहीं शायद थोड़ा बड़ा सा अपडेट है, और ये अपडेट है व्हाट्सएप को लेके। व्हाट्सएप ने ग्लोबली और इंडिया में अपना जो है लेटेस्ट अपडेट जो है स्टेटस को लेके वो रोल आउट कर दिया है सभी जगहों के लिए। मेरे पास ये अपडेट आ चुका है, हो सकता है बहुत से लोगों के पास, आप लोगों के पास भी आ गया हो, और जिनके पास नहीं आया है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप पहले की तरह स्टेटस पे सिर्फ आप टेक्स्ट पे लिख सकते थे कि हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, या आप जो भी फील कर रहे हैं वो सिर्फ आप टेक्स्ट पे और आइकॉन्स पे लिख सकते थे। पर आपके लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब आप उस पर पिक्चर्स लगा सकते हैं, एक जिफ एक वीडियो का छोटा सा पार्ट होता है 8 या 9 सेकेंड का, वो भी लगा सकते हैं, और एक छोटा वीडियो भी आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। बेसिकली ये एक इनका नया फीचर है, लोगों को अपनी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए एक नया फीचर दिया गया है, और साथ ही में इसमें आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, जैसे कि गूगल और जीमेल और व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू रखा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें अपना टेक्स्ट जो है, उसके अलावा आप पिक्चर भी अपना जो है स्टेटस रख सकते हैं, जिफ एक छोटा पार्ट होता है 8 या 9 सेकंड का वीडियो, उसका भी आप अपने स्टेटस रख सकते हैं, और एक छोटा वीडियो भी आप अपना स्टेटस रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बात खास बात यह है कि ये जो भी आप स्टेटस रखेंगे ये रहेगा केवल 24 घंटे के लिए वैलिड। जैसे कि आज शाम को 5 बजे आपने रखा, तो कल शाम के 5 बजे तक वो रहेगा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ताकि आप नया स्टेटस डाल सकें। और अगर आप उसके पहले अगर डिलीट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है, साइड में 3 डॉट दिए गए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपकी प्राइवेसी की, कि व्हाट्सएप ने ये फीचर दिया है जिसमें आप फोटोज़ और वीडियोज़ अपने प्राइवेट शेयर कर स्टेटस में रख सकते हैं। तो जाहिर तौर पे आप ऐसा होगा कि आप अपना जो स्टेटस है वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहें, सभी के साथ तो चाहेंगे नहीं। तो पहला इन्होंने दिया है कि आप शेयर कर सकते हैं, शेयर विद कॉन्टैक्ट्स, माई कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके लोग होंगे वो सारे आपके स्टेटस में, चाहे पिक हो चाहे जिफ हो चाहे वीडियो हो, वो उसको देख पाएंगे और उस पर कमेंट भी कर पाएंगे। इसमें एक नया फीचर ये भी है कि आप एक दूसरे के स्टेटस पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक में कर पाते हैं, तो एक दूसरे के स्टेटस पे कमेंट कर सकते हैं। तो जो माय कॉन्टैक्ट, शेयर विद माय कॉन्टैक्ट्स है, उसमें सारी आपकी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जितने भी लोग होंगे वो आपका स्टेटस जो है वो देख पाएंगे और उसको जो है कमेंट भी कर पाएंगे। दूसरा इन्होंने फीचर दिया है शेयर विद माय कॉन्टैक्ट्स बट एक्सक्लूड, यानी कि इसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं उनके साथ तो स्टेटस जो है वो शेयर करेंगे, वो कमेंट भी कर पाएंगे, पर जो है आप कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आप चाहते हैं कि आपके स्टेटस को ना देखें ना कमेंट कर पाएँ। तो आप इस तरीके से इसमें कर सकते हैं कि आप आपके बाकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो आपकी स्टेटस को जो है वो देख पाएगी और कमेंट भी कर पाएगी, पर जिन जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, या एक 2-4 लोग या एक ग्रुप होगा आपका जिसके साथ आप अपने स्टेटस जो है वो शेयर नहीं करना चाहते, तो आप इस वाले फीचर पे जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो लोग आपका स्टेटस नहीं देख पाएंगे, ना ही वो आपके साथ जो है वो कमेंट कर पाएंगे, और वो लोग ब्लॉक भी नहीं होंगे, वो लोग आपको मैसेज कर पाएंगे, आप उनको मैसेज कर पाएंगे, पर वो सिर्फ आपका स्टेटस नहीं देख पाएंगे। और तीसरा जो है वो है शेयर विथ फ्यू। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके जो क्लोज लोग हैं, आपके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त या कोई खास जिसके साथ आप स्टेटस शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाकी लोग ना देखें, तो आप शेयर विथ फ्यू में जाके 1-2 लोग या जितने भी लोगों के साथ आप सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, उनको सेलेक्ट कर लीजिए, और सिर्फ वही लोग आपका स्टेटस देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, और सिर्फ वही लोग जो है आपके स्टेटस पे जो है वो कमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये फीचर जो है वो दिए गए हैं, और तो अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से अपडेट कीजिए और ट्राई करके देखिए। यहाँ पे पिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का अपडेट है और इस तरीके का ऑप्शन मिलता है, तो आप जल्दी से इसको अपडेट कीजिए और यूज़ कर लिए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक के अपने फेसबुक पे अपने जानने वालों के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की गैजेट से रिलेटेड और ऐप से रिलेटेड जो है आपके लिए डेली जो है वो वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।